हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि ज़्यादातर भारतीय कुवैत क्यों आते हैं दोस्तों, है ना। तो मैं इसका जो सबसे मेन मकसद है भारतीयों को कुवैत आने का, वो मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि कुवैत आप लोगों को पता है एक बहुत ही खूबसूरत देश है, और जो पेट्रोल यानी कि जो पूरी दुनिया के अंदर तेल निकलता है उसमें कुवैत का जो स्थान है दोस्तों, वो छठा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक अपने आप में ही कितना विकसित देश है दोस्तों, और यहाँ के संसाधन भी भारत की तुलना में काफ़ी अच्छे और बड़े लेवल पर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कुवैत एक विकसित देश है, और जैसे कि जो देश विकसित होता है वहाँ पर वर्करों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, वो है कुवैत का दिनार। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल अगर आप चेक करोगे अभी तो कुवैत का जो एक दिनार है वो भारत के तकरीबन 230 रुपए के बराबर है दोस्तों। यानी कि अगर यहाँ पर आपकी सैलरी 100 दिनार है तो वो भारत के 23,000 रुपए के बराबर है। तो हाँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर दोस्तों रहा है, किसी भी व्यक्ति की सैलरी 90 या 100 दिनार से कम नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इतने से उनकी सैलरी की शुरुआत होती है। तो मान लो कि उनकी सैलरी 100 दिनार है, तो देखो सबसे छोटी जॉब में आपको महीने के 23,000 रुपये मिलेंगे दोस्तों। और कुवैत में एक और ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर खर्च कम होता है। खर्च कम इसलिए होता है कि कुवैत की 90% कंपनियाँ जो लोगों को भारत से हायर करती हैं, वो इस बेस पर हायर करती हैं कि वो रहने के लिए कमरा देंगी, आने जाने के लिए नौकरी पर बस की सुविधा प्राप्त करेगी, और एक समय का खाना देगी, है ना दोस्तों। तो आपके किराया बच गया, आपके आने जाने का किराया बच गया, रहा गया सिर्फ एक समय का खाना आपको अपने से बनाकर खाना है और सुबह का नाश्ता करना है। उसके अलावा हाँ, मैं मान सकता हूँ महीने में 4 छुट्टियाँ होंगी, आप कुछ खर्च करोगे, तो ये समझ लीजिए पूरे महीने का खर्चा आप 10 से 12 KD या ज़्यादा से ज़्यादा 15 KD में आप निकाल लोगे। तो 100 में से दोस्तों अगर हम 15 KD भी निकाल दें तो बचें 85। आप 85 को 230 से गुना कर लेना, जो सैलरी आएगी वो सबसे कम लेवल के लोगों की होगी। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, तो मेरी अच्छी खासी KD में सैलरी है पास होगी, और मुझे आए हुए अभी सिर्फ 10 से 15 दिन हुए हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुवैत आने की सोच रहे हो, और भारत से हो, आप पाकिस्तान से हो, आप श्रीलंका से हो, आप नेपाल से हो, आप भूटान से हो, और आप पढ़े लिखे हो, कम से कम 12वीं पास हो, तो आप ज़रूर कुवैत में नौकरी के लिए आइए, अपना हार्डवर्क करिए, और यहाँ से पैसे कमा कर अपने परिवार वालों की मदद करिए। और मैं एक आप लोगों को बता दूं, अगर आप अनएजुकेटेड भी हो, अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी, तो भी आप जिस संस्था के थ्रू, जिस कंसल्टेंसी के थ्रू कुवैत में आ रहे हो दोस्तों, उनके कागजों पर जिन पर आप साइन करोगे, वो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पढ़वा लेना, उसके बाद उसकी फोटोकॉपी सारी एक अपने घर पर देना, एक मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करके अपने किसी भाई को सेंड कर देना, तभी आप यहाँ पर आना। क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके साथ 1-2% हो सकता है कि उनके साथ कोई खिलवाड़ वगैरह हो जाए, क्योंकि आप बिना देखे साइन कर दोगे और उसमें ये लिखा होगा कि आपको 6 दिन की जगह 7 दिन काम करने। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे होता ऐसा नहीं है, बस मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूँ कि कोई अगर अनएजुकेटेड व्यक्ति कुवैत में आता है तो वो थोड़ा ध्यान रखे। अदरवाइज 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट लेवल के लोग आप आइए कुवैत में, अच्छे से रहिए, और ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।